फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कौशल्य आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, हेल्दी हो गए, स्वस्थ हो गए। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिर दर्द के बारे में, यानी हेडेक के बारे में, कि क्यों होता है, इसके रीजंस क्या हैं, और कैसे आप चुटकी में ही अपने होम रेमेडीज़ के द्वारा नेचुरली ही आप अपने सर दर्द को ठीक कर सकते हो। दोस्तों, हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, उसको दबाएं। दोस्तों, मोबाइल में आप सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल नोटिफिकेशन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप हमेशा हेल्दी रहें। दोस्तों, तनाव सिर दर्द का सबसे नियमित प्रकार है। हम में से हर किसी को हमारे जीवन में किसी भी बिंदु पर ये अनुभव होता है। तनाव खुद को एक दर्द के रूप में पेश करता है। दर्द आपको धीरे धीरे पकड़ता है और समय के साथ बढ़ता है। ऐसा लगता है कि आपके सिर में बहुत दबाव है, जैसे कोई आपके सिर को निचोड़ रहा है। दर्द लगातार हो सकता है और आपके सिर के दोनों तरफ एक टंग बैंड की तरह प्रभावित कर सकता है, यहाँ तक कि आपकी गर्दन मांसपेशियाँ तो मांसपेशियों को भी दर्द महसूस होने लगता है। पीछे वाले भाग में हो सकता है आपका दर्द, या सिर के आधे तरफ में, या फिर गर्दन में भी हो सकता है। ये सिर दर्द थोड़ी देर के आपके साथ रह सकता है, शायद घंटों तक रहे। तनाव का दर्द आमतौर पर गंभीर नहीं होता। दोस्तों, जब आपको तनाव का अनुभव होता है तो ऐसा लगता है जैसे दर्द आपके सिर से आ रहा है। हालांकि दर्द का स्रोत मांसपेशियाँ तनाव माना जाता है। आपके चेहरे, गर्दन, आपके सिर, चारों ओर सभी मांसपेशियों में इसमें शामिल होती हैं। जब मांसपेशियाँ तनावग्रस्त हो जाती हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन द रिसेप्टर को उत्तेजित करता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सिर दर्द के प्रकार, टाइप ऑफ हेडेक्स के बारे में। दोस्तों, सिर दर्द के प्रकार बदलती जीवन शैली, गलत खान पान में से किसी को भी सिर दर्द होना एक आम बात है। सिर दर्द से तात्पर्य सिर का एक या एक से अधिक हिस्सों में, साथ ही गर्दन पिछले भाग हल्के से लेकर तेज दर्द का एहसास होना। सिर दर्द के कई कारण होते हैं, जिनमें से पहला है कलस्टर सिर दर्द। ये भी सिर दर्द का एक प्रकार है। इसमें चेहरा, सिर और गर्दन एक हिस्से में ही दर्द होता है। यह दर्द दोनों हिस्सों को प्रभावित नहीं करता। जब इस तरह का सिर दर्द हो तो नीचे बिल्कुल ना झुके, इस दर्द का ये दर्द बढ़ सकता है। ऐसे आपको अल्कोहल और धूम्रपान की आदत छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, जो टाइप है तनाव से सर दर्द होना, इस प्रकार के दर्द होने पर सिर का पूरा हिस्सा या दोनों साइड प्रभावित होते हैं। इस दौरान शारीरिक गतिविधि का सिर दर्द पे कोई असर नहीं होता। ये मांसपेशियों को सिकुड़न के कारण होता है। ये सिर दर्द लंबे समय तक तनाव रहने के कारण होता है। निश्चित सिर दर्द इसी कारण होते हैं और आमतौर पर खुद ही ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, अगला जो सिर दर्द है वह है माइग्रेन का। यह दर्द सिर के एक हिस्से में दबाव के साथ और आंखों के पीछे होता है। अगर आप इस दौरान सामान्य शारीरिक गतिविधि करते हैं तो दर्द बढ़ सकता है। माइग्रेन की समस्या ज़्यादातर जेनेटिक होती है। ये सिर दर्द हर किसी को अलग अलग होता है। माइग्रेन से कई बार धीरे धीरे और कई बार तेज़ होने लगता है। इसका कारण किसी भी भोज पदार्थ से एलर्जी भी हो सकता है। दोस्तों, अगला जो है दांत दर्द के कारण, कभी कभी दांतों के दर्द के कारण भी सिर दर्द की शिकायत रहती है। दांतों में कीड़े लगना, अकलदाड़ आने आदि से पूरे जबड़े में दर्द रहता है। ऐसे में सिर दर्द हो सकता है। दोस्तों, अगला है हैंगओवर। इस तरह का सिर दर्द अधिकतर उन लोगों को होता है जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। वह नशे के आदि हो जाते हैं। जब उन्हें नशा नहीं मिलता तो उनके सिर में दर्द होने लगता है। दोस्तों, जो सिर दर्द का कारण है वह साइनस के कारण। साइनस का दर्द होने पर आंखों के आसपास, चीक बोन्स, माथा, नाक के पास के हिस्सों को प्रभावित होता है। इसमें अचानक से कोई गतिविधियां, झुकना या व्यायाम करने से बचें, से दर्द बढ़ सकता है। साइनस के सिर दर्द में तेज कई बार लगातार होता रहता है। यह अधिकतर सुबह से शुरू होता है। दोस्तों, अगला जो है कब्ज से होता है सिर दर्द। सिर दर्द उत्पन्न होने का एक अन्य कारण और भी है, जिसे कब्ज से होने का वाला सिर दर्द कहते हैं। अधिक कब्ज होने के कारण ये सिर दर्द होता है। पेट में कब्ज बनने के कारण कभी कभी आंतों की दीवारों में प्लाज्मा आवश्यकता से अधिक नष्ट होने लगते हैं, जिसके कारण ब्रेन तक खून पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचता, इसलिए सिर दर्द होता है। दोस्तों, अगला है कैफीन के कारण। जो लोग कॉफ़ी पीने की आदि होते हैं, उन्हें इसकी वजह से सिर दर्द हो सकता है। जैसे आपको दिन में दो बार कॉफ़ी पीने की आदत है, इसी में अगर आपको किसी कारणवश कॉफ़ी ना मिले तो सिर दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। इस दर्द से बचने के लिए आपको कॉफ़ी की लत छोड़नी होगी। दोस्तों, अगला है दवाओं के कारण।
कभी कभी कुछ दवाएं भी सिर दर्द का कारण होती हैं, जैसे हृदय रोगों में ली जाने वाली दवाएं, उच्च रक्तचाप में होने वाली ली जाने वाली दवाएं। इसलिए हमेशा कहा जाता है जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तो दवाओं का सेवन ना करें दोस्तों। दोस्तों अगला जो है, नींद पूरी ना होना। सिर दर्द कई प्रकार के होते हैं, जैसे अधिक देर तक सोते रहना या कम समय सोने से। नींद पूरी ना होने के कारण भी सिर दर्द हो सकता है। कभी कभी नींद के बीच बीच में टूटने के कारण भी सिर दर्द होता है। ऐसे में अपने शरीर की ज़रूरत को समझें और नींद पूरी करें दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से घरेलू उपाय हैं जो मिनटों में आपका सर दर्द दूर करेंगे फास्टली। दोस्तों बाज़ार में ऐसे कई तरह की दवाइयां मौजूद हैं जो सिर दर्द में राहत के लिए ली जाती हैं, लेकिन हर बार दवाई लेना भी सही नहीं है। पर आप चाहें तो ऐसे कई घरेलू उपाय हैं जिनसे आप अपना सिर दर्द चुटकी में दूर कर सकते हैं। सिर दर्द असल में नर्वस सिस्टम और गर्दन से जुड़ी हुई समस्या है। सुबह सुबह सिर दर्द साथ उठना मतलब पूरा दिन बर्बाद हो जाना। सिर दर्द एक बहुत ही सामान्य समस्या है, पर कई बार ये इतना तेज़ होता है कि बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो जाता है। ये उपाय इतने आसान है कि आप इन्हें अपने ऑफिस के काम करते करते भी आजमा सकते हैं। पर एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप अपने मस्तिष्क से हर बुरे विचार को निकाल दीजिए और शांत रहने की कोशिश कीजिए। इन घरेलू उपायों की अच्छी बात यह है कि ये सभी पूरी तरह से सुरक्षित और कारगर हैं दोस्तों। दोस्तों पहला जो आपके लिए टिप्स लाए हैं, उपाय लाए हैं, पैर को गर्म पानी में डुबोकर रखने से सिर दर्द में राहत मिलती है। पैर को गर्म पानी में डुबोने से सिर की रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड सर्कुलेशन का दबाव कम होता है। अगर दर्द ज़्यादा तेज है तो आप पानी में सरसों का तेल भी लाएं दोस्तों। दोस्तों अगला जो है लौंग, तवे पर लौंग की कुछ कलियों को गर्म कर लीजिए। इन गर्म हो चुकी लौंग की कलियों को एक रुमाल में बांध लीजिए। कुछ देर पर इस पोटली को सूंघते रहिए, आप पाएंगे सिर दर्द कम हो गया है। दोस्तों अगला है तुलसी की पत्तियाँ। आपने अक्सर लोगों को सिर दर्द होने पर चाय या कॉफ़ी पीते देखा होगा। एक बार तुलसी की पत्तियों को पानी में पकार कर इसका यूज़ कीजिए। ये किसी भी चाय और कॉफ़ी से कहीं अधिक कारगर और फ़ायदेमंद है दोस्तों। अगला जो हम आपके लिए लेकर आए, सेब पर नमक डालकर खाने से। अगर बहुत कोशिश के बाद भी आपके सिर दर्द जाने का नाम नहीं ले रहा है तो एक सेब काट लें, उस पर नमक डालकर खाएं। सिर दर्द में राहत पाने के लिए बहुत ही कारगर उपाय है दोस्तों। दोस्तों अगला जो हम आपके लिए लाए, काली मिर्च और पुदीने की चाय। सिर दर्द में काली मिर्च और पुदीने की चाय का यूज़ करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप चाहें तो ब्लैक टी में पुदीने की कुछ पत्तियाँ मिलाकर भी ले सकते हैं दोस्तों। तो अगला जो हम आपके लिए टिप्स लेकर आए वो है एक्यूप्रेशर। सालों से लोग सिर दर्द से राहत के लिए एक्यूप्रेशर का यूज़ करते आ रहे हैं। सिर दर्द होने की स्थिति में आप अपनी दोनों उंगलियों को सामने ले आइए। इसके बाद एक हाथ से दूसरे हाथ के अंगूठे की इंडेक्स फिंगर के बीच में जगह पर हल्के हाथ से मसाज कीजिए। ये प्रक्रिया दोनों हाथों में 2 से 4 मिनट तक दोहराइए दोस्तों। आपको सिर दर्द में आराम मिलेगा दोस्तों। दोस्तों अगला जो है, पानी के द्वारा कुछ देर पर पानी की थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीने से सिर दर्द को आराम मिलता है। एक बार आपका शरीर हाइड्रेट हो जाएगा तो सिर दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा दोस्तों। इसलिए आप अपनी डेली डाइट में भरपूर पानी पीना शुरू करें दोस्तों। अब दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए अदरक का जूस और नींबू के जूस को एक साथ बराबर मात्रा में मिला लें। अब इस मिश्रण को पूरे दिन में 1 या 2 बार जरूर पिएं। ये दवा की तरह काम करता है दोस्तों। सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए 1 चम्मच अदरक के पाउडर में 2 चम्मच पानी मिला लें। अब इस पेस्ट को माथे पर कुछ मिनट के लिए लगा कर रखें। ये भी दवा की तरह काम करता है दोस्तों। अदरक के पाउडर या कच्चे अदरक को पानी में उबाल लें। इस पानी को कुछ मिनट तक भाप लेने की कोशिश करें। ये भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है सर दर्द के लिए दोस्तों। अब हम आपके लिए लेकर आए पुदीना। पुदीने की मुट्ठी भर पत्तियों का जूस को माथे पर कुछ देर कर लगा कर रखें। इस तरह आपके सिर दर्द का इलाज बहुत ही ठीक हो जाएगा, बहुत ही जल्द आपको फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। दोस्तों अगला जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, तुलसी और शहद। सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए 1 कप पानी में सबसे पहले 3 या 4 तुलसी की पत्तियों को कुछ मिनट तक उबालने के लिए रख दें। इसमें कुछ मात्रा में शहद मिलाकर चाय को पी सकते हैं। कटोरे में पानी में 1 चम्मच तुलसी की पत्तियां, कुछ बूंदे तुलसी का तेल डालें, फिर इस पानी को भाप लेने की कोशिश करें। ये बहुत असरकारक है दोस्तों।
आपको तुरंत आराम मिलेगा। दोस्तों अब हम आपके लिए लेकर आए हैं नींबू के छिलके को पीसकर सिर पर लेप लगाएं। ये दवा बहुत से आपको फौरन सर दर्द में आराम मिलेगा। नींबू के छिलके को पीसकर सिर में लेप लगाएं। दोस्तों अगला जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए बादाम का तेल और केसर मिला के दिन में 3 बार सूंघने से दर्द कम हो जाएगा, उसका यूज़ आप कर सकते हो। दोस्तों अगला जो हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों वो है राई। सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए राई को पीसकर माथे पर लगाने से सिर दर्द में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। दोस्तों ये टिप्स लेकर आए हैं सिर दर्द को छुटकारा पाने के लिए, नारियल की सूखी गिरी लें और 25 ग्राम मिश्री लें। सूरज उगने से पहले आप इसको खाएं। दोस्तों ये नुस्खा पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। आप अपनी डेली डाइट में नारियल की सूखी गिरी और मिश्री को शामिल कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे ऐसे कौन से योगा हैं जो आपको सिर दर्द में राहत दिलाएंगे। दोस्तों पहला है पद्मासन। इसको करने के लिए मन की शांति मिलती है, जिस वजह से दर्द कम होने लगता है। इस आसन का अभ्यास करने के लिए पैरों को फैलाते हुए ज़मीन पर सीधे लेट जाएं, अपने दाएं घुटने को मोड़कर अपने बाएं जांघ पर रख लें। इस बात को विशेष ध्यान रखें कि आपके तलवे ऊपर की ओर ना होना चाहिए। इसी मूत्र प्रक्रिया को ठीक दूसरे पैर के साथ दोहराएं। दोस्तों बालासन बेहद उपयुक्त माना जाने वाला बाल मुद्रा आसन एक महान स्ट्रेस बूस्टर माना जाता है। इस आसन के द्वारा आपके कूल्हे जांघ और एड़ियों में हल्का सा खिंचाव महसूस होगा। यह आसन मन की शांति, तनाव और थकान से छुटकारा दिलाता है। बालासन तंत्रिका तंत्र को शांत रहता है और बहुत ही ज़्यादा सर दर्द को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है। दोस्तों अगला जो है पश्चिमासन। यह आसन मस्तिष्क को शांत करता है, तनाव से राहत दिलाता है और सिर दर्द में भी राहत दिलाता है। दोस्तों ये योगा आपके सिर दर्द को फौरन ठीक कर देगा। हमारा सिर दर्द पे वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।